रंजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? है कुछ कहने लायक? कहने लायक हो तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था जी, जब बुआ जी ने यहाँ पे मुझे सर पे शक्तिपात किया था, तो उस शक्तिपात से 10 या 20 सेकंड पहले की बात है जी। शायद आप आंख के द्वारा या शक्तिपात आपने किया हो या मैंने नहीं किया। मैंने नहीं, बुआ जी ने बहन बैठी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सर पे जैसे घिरनी होती है ना, इस जगह पे घिरनी, घिर जैसे बच्चे जो होते हैं ना हमारे यहाँ बोलते हैं घुमाते हैं, हाँ, जो जैसे नीचे एक लकड़ी टाइप है और ऊपर, समझ गया उसको, फिरंगी लट्टू टाइप का आप समझिए, लट्टू टाइप का आप समझिए, बट लट्टू होता है ऐसे गोल होता है, गोल होता है, वो समझ गए, वो होती है जो जोर से नाचती है और उल्टा भी कर, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे इधर फिरंगी, गांव की भाषा में फिरंगी बोलते हैं, हाँ, हमारे यहाँ उसको घिरनी बोलते हैं। घिरनी कोई बात नहीं, क्षेत्रीय भाषा में। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या सभी साधक समझ पा रहे हैं? गोल गोल पहले काट के होते थे, हम जब छोटे थे तो ऐसे करते थे, कभी कभी सीधे घुमाते तो गोल गोल घूमती रहती थी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में। सही शब्द मुझे भी नहीं याद है, अलग अलग शब्द है, वो घुमाते थे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे जी। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे घिरनी घूम रही है इस। अच्छा अच्छा, वहाँ पे घूम रही है, हाँ ठीक है ठीक, वहाँ पे जैसे, हाँ ठीक, हाँ घूम रही है, गति कर रही है इस तरीके से, जैसे वहाँ सफाई चल रहा है। और इसके अलावा गुरु जी, ध्यान पे तो ज़्यादा उसका बैठ नहीं पाए, 10-15-20 मिनट ही हम बैठे थे, लेकिन ध्यान से उठने के बाद भी कुंडली मुझे यहाँ पे महसूस हो रही थी, ब्रह्मरंध्र पे ब्रह्मरंध्र महसूस हो रही थी। मतलब जब खुले आँखों से मतलब मैं आँख खोल चुका था बैठने के बाद भी, फिर भी मतलब दिखाई दे रही थी, दिखाई नहीं, महसूस हो रही कि ब्रह्मरंध्र के अंदर, हाँ अनुभूति जो होती है, अनुभूति हो रही थी, बिल्कुल अनुभूति हो रही थी। यही मैं जानना चाहता था कि क्या कुछ कहने लायक है या कहना चाहते हो। हाँ वो खुल गया, लेकिन आपने जो साधकों समझ पा रहे हो कि इन्होंने क्या कहा, ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ है ब्रह्म कुंडलिनी, इनके शब्दों में कुंडलिनी अंदर चली गई और पहले इन्हें दिखाई दिया गोल गोल, उसका मैं अभी अर्थ बताऊँगा वो क्या चीज़ है। तो घूम रही है, गति कर रही है, हाँ, तो यानी अंदर चले गए, यानी इसका मतलब जो वायु है आपको यहाँ कुछ गुदगुदी, कुछ भरा हुआ, कुछ मजा आ गया, नहीं कहते वाह क्या आनंद आ गया, आनंद मत कहना, मैं सामने बैठा हूँ मज़ा आ गया नहीं गुरु जी, गुदगुदी महसूस होती है और हुई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा समय हो सकता है। नहीं नहीं, ये देखो अभी शुरुआत है, अब आप शिविर का खाना छोड़ दें। बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल छोड़ दो, हाँ, बाद में वो बात दूसरी है, खाने का पैसा अवस्थी जी से वसूल कर लें, क्योंकि आपने दे रखा है बाहर से वो, यानी फल वगैरह अभी 2-2.5 दिन है। बिल्कुल ठीक है, छोड़ दो, चाय बन पीते हैं घर में, और यहाँ ही नहीं घर में नहीं तो इसकी मेहनत, इसने जो कुछ उड़ेला है अपनी कमाई, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, और आपकी गंध ले ली है। बिल्कुल गुरु जी, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, साधारण नहीं होता जितना सरल समझ रहे ब्रह्मरंध्र खुलना। और इसलिए नहीं कहते कि जो कुछ इसने दिया उसको बरकरार बनाए रखने के लिए, इससे आपका ही कल्याण है, नहीं तो सालों साल लगे रहते हैं। बिल्कुल गुरु जी, सफलता नहीं है। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.